हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी यूट्यूब की अर्निंग। ये वाले चैनल की नहीं इस पे, तो क्योंकि अभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है। मेरा एक प्रीवियस चैनल है टैग का, जिसमें समथिंग अराउंड 5,650 जो है वो सब्सक्राइबर है। मैंने वो चैनल को क्यों बंद किया वो भी रीज़न बताऊँगा, और उसके साथ ही साथ मेरी लाइफ टाइम यूट्यूब की अर्निंग भी बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, इससे होगा ही ताकि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अमेजिंग वीडियोस आप मेरे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रीज़न कि क्यों मैंने उस चैनल पे जो है वो वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया, जहाँ की 5,650 जो कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, आप सभी लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। बिकॉज के वहाँ पर हम सबसे पहले अपलोड करते थे बिटकॉइन से रिलेटेड वीडियोस, तो बिटकॉइन के हमने बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर अपलोड की, तब वो सारे जो सब्सक्राइबर आने लगे वो आने लगे बिटकॉइन के। अब उसके बाद हमने सोचा कि बिटकॉइन में इतना ज़्यादा हमको वीडियो आगे हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, इस वजह से हमने सोचा कि क्यों नहीं उसको टैग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने उसका नेम भी चेंज करके टैग आफ्ताब रख दिया, और सारी चीज़ें जो है वो हम टैग की वहाँ पर अपलोड करने लगे। लेकिन वहाँ पर गाइस, अब ट्रस्ट नहीं करोगे कि व्यूज़ जो है वहाँ पर 20-30 व्यूज़ आ रहे थे। तो हमने सोचा कि यार इतना ज़्यादा, मतलब कि सब्सक्राइबर होने के बाद इतना ज़्यादा कम व्यूज़ आए, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपके सब्सक्राइबर पहले आए, जो आपकी वीडियो देख के सब्सक्राइब करे बिटकॉइन की, आप उसको चेंज करके टैग की अगर कुछ चीज़ें बताते हो तो जाहिर सी बात है कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखेगा। लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया था कि आप बिटकॉइन की वीडियो बता रहे हो, लेकिन आपने चेंज करके टैग की करी तो उम्मीद, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो है वो आपकी वीडियोस को नहीं देखेगा, क्योंकि वो बिटकॉइन के सब्सक्राइबर थे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ कि फिर हमने जब टैग की वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किया तो इतने कम व्यूज़ आने लगे। एक ये मेरा सोचना है, हो सकता है कि मेरा सोचना गलत भी हो, बट स्टिल मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए, लेकिन स्टार्ट करके मैं वीडियो अपलोड करता था, और लेकिन बहुत टाइम तक तो जो है वो वीडियो को छोड़ देता था, अपलोड नहीं करता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बीच में जो है वो गैप हो जाता था। ऐसा मेरा सोचना है कि इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा तो उसके बाद हमको वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, न्यू चैनल स्टार्ट करना चाहिए। ये एक मेरा सोचना है, हो सकता है आप भी ऐसी चीज़ सोचते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि नहीं आपको जो है वो वीडियो वही चैनल पर अपलोड करना है। मेरा एक ऐसा अंदर से मतलब मन हट जाता था कि यार इतना ज़्यादा गैप हो गया, फिर अब कैसे प्रोवाइड करूँ वीडियो। तो फिर मैं ये सोचता था कि न्यू चैनल को स्टार्ट करते, तो फिर मैं न्यू चैनल स्टार्ट करता था। तो इसमें भी यही केस में यही सीन हुआ कि बहुत ज़्यादा फिर गैप हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इस वजह से फिर ये चैनल को हमने जो है वो छोड़ दिया। तो अभी लाइफ टाइम की मैं आपको अर्निंग बताता हूँ मेरी यूट्यूब की, कि मैंने कितना ज़्यादा इससे जो है वो पैसा कमाया था। हाँ, एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि इसका जो है वो मोनेटाइजेशन, मुझे नहीं पता कि क्यों यूट्यूब वाले ने जो है उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया। ये तो अभी रिसेंटली कि हम लोग ने वीडियो काफ़ी पहले जो है वो बनाना छोड़ दी थी, उसके बाद जब हमारे समथिंग अराउंड के 100 से ज़्यादा डॉलर जमा हो गए, तब रेवेन्यू हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होनी थी, तभी जाके जो है वो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। पता नहीं वो क्यों हुआ, और ये जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग है वो रुक गई है, मेरे पास बैंक में नहीं है। अब लगता है ज़िंदगी भर बस चैनल में मेरे को नज़र आती रहेगी, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पर मेरी यूट्यूब की अर्निंग बता देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेरी यूट्यूब की लाइफ टाइम की अर्निंग आपको दिख रही होगी $107, जो कि मेरे बैंक अकाउंट में नहीं है, वो सिर्फ फ़ोटो में ही आपको नज़र आ रहे हैं, और यहीं पे ही जो है वो अर्निंग हमारी रुक गई है। टोटल व्यूज़ आए थे हमारे लाइफ टाइम के 4,70,000, वॉच टाइम 18,000 आया था, और जो सब्सक्राइबर है वो 5,655, ठीक है। अभी भी वीडियो जो है वो थोड़े बहुत लोग जो है वो देखते हैं, लास्ट 48 आवर्स में समथिंग अराउंड 78 व्यूज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लोग वो चीज़ भी देखते हैं, लोगों की हेल्प हो जाती है। लेकिन हम लोग ने उस पर वीडियो प्रोवाइड करना छोड़ दिया, इस वजह से अब ये चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद भी आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो कि हम इसको भी बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएंगे, और जो मेरे से चीज़ हो सकती है मैं वो चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बिकॉज के मेरा ऐसा थिंकिंग है कि जो चीज़ मुझे पता है वो चीज़ आप लोगों को भी पता हो, कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करेगी। उम्मीद करता हूँ इसी वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।